एक व्यूअर ने कमेंट बॉक्स में पूछा है कि ऑब्लिगेटेड टू क्या है, यानी स्पोकन इंग्लिश में हमें कब बोलना चाहिए ऑब्लिगेटेड टू। तो आइए फ्रेंड्स उनकी कंफ्यूजन को खत्म करते हैं। अक्सर आपको अपने डेली लाइफ में इस तरह के सेंटेंसेस बोलना पड़ता है जहां आप कहते हैं आप किसी काम को करने के लिए लाचार हैं या मजबूर हैं या बेबस हैं। तो जब कभी भी आपको अपने लाइफ में इस तरह के सेंटेंसेस बोलना हो जहां आप कहें मैं किसी काम को करने के लिए बेबस हूं या लाचार हूं या मजबूर हूं, तो इस तरह के सेंटेंसेस को बोलने के लिए आप कहेंगे आई एम ऑब्लिगेटेड टू। अगर बात आपकी करें तो आप कहेंगे यू आर ऑब्लिगेटेड टू। अगर बात वह की करें तो आप कहेंगे ही इज ऑब्लिगेटेड टू। अगर वो फीमेल है तो आप कहेंगे सी इज ऑब्लिगेटेड टू। अगर बात उन लोगों की करें तो आप कहेंगे दे आर ऑब्लिगेटेड टू, यानी मैं बेबस हूँ या लाचार हूँ, आप बेबस हैं या लाचार हैं, या वे लोग बेबस हैं या लाचार हैं या मजबूर हैं। लगता है आप ठीक से समझे नहीं, आइए कुछ एग्जांपल्स देखें ताकि आप इस बात को और आसानी से समझ सकें। अगर आपको कहना हो मैं यह करने के लिए बेबस हूँ, लाचार हूँ या मजबूर हूँ, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई एम ऑब्लिगेटेड टू डू दिस, यानी मैं इसे करने के लिए बेबस हूँ, लाचार हूँ या मजबूर हूँ। अगर आपको कहना हो वह यहाँ काम करने के लिए बेबस है या लाचार है या मजबूर है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे ही इज ऑब्लिगेटेड टू वर्क हेयर, यानी वह यहाँ काम करने के लिए बेबस है, लाचार है, मजबूर है। अगर आपको कहना हो मैं लोन लेने के लिए बेबस हूँ, लाचार हूँ या मजबूर हूँ, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई एम ऑब्लिगेटेड टू टेक लोन, यानी मैं लोन लेने के लिए मजबूर हूँ, बेबस हूँ या लाचार हूँ। बाय द वे अगर आपको इस तरह के सेंटेंसेस को पास्ट में बोलना है तो आप इजारम के जगह पर वॉज वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, जैसे मैं वह बेचने के लिए लाचार था, मजबूर था या बेबस था, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई वॉज ऑब्लिगेटेड टू सेल दैट, यानी उस चीज को बेचने के लिए मैं बेबस था, लाचार था या मजबूर था। मैं उसे पैसा देने के लिए बेबस था या मजबूर था या लाचार था, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई वॉज ऑब्लिगेटेड टू गिव ही मनी, यानी मैं उसे पैसा देने के लिए बेबस था, लाचार था या मजबूर था। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको शानदार तरीके से समझ में आया कि जब आपको कहना हो कोई इंसान किसी काम को करने के लिए बेबस है, लाचार है, मजबूर है, तो वहाँ आप कहेंगे ऑब्लिगेटेड टू। अगर वाकई आपने इस कंसेप्ट को शानदार तरीके से सीखा तो क्या इस टॉपिक पर कुछ सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। अगर आपके पास भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करें, मैं जल्द आपके क्वेश्चन पर वीडियो बनाऊंगा। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छे लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय।